तो अगर आप भी कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब टाइपिंग जॉब ढूंढ रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब निकली, काफ़ी टाइम से ये जॉब ओपन है एंड इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इसमें है क्या कि आप यहाँ पे टाइपिंग का काम करना होगा आपको एंड उसके लिए आपको यहाँ पे किया जाएगा। इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सो ये साउथ में आएगा, मतलब बेंगलोर की साइड है ये। एंड ये जो इंस्टीट्यूट है कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, सो उसी के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है, जिस भी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही हैं अभी, उस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इनको कुछ लोग चाहिए जो टाइपराइटिंग या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन का काम कर सके, घर बैठे, ऑफिस जाने या फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे काम कर सकते हो इसको। एंड फुली ट्रस्टेड चीज़ है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इस तरह कुछ काम करना है। तब बताता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह का आपको PDF मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, मतलब कैसे टाइपिंग करते हैं, कितनी फास्ट आप करते हो, तो वो सब आपको यहाँ पे रहना चाहिए टाइपिंग करने का नॉलेज। और आप यहाँ पे किसी ना किसी नेटिव लैंग्वेज में आप फ्लुएंट होने चाहिए, ठीक है, चाहे हिंदी में हो गया हो, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, जिस भी स्टेट में रहते हो या फिर जहाँ भी रहते हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो उससे मैच करती है या फिर नहीं। सो किसी एक लैंग्वेज में जो आपकी पकड़ है वो सही होनी चाहिए इस जॉब के लिए, भोजपुरी है तो भी चले। आपके पास कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए आपके घर पर, जिससे यहाँ पे आप काम करोगे या फिर टाइपिंग का काम करोगे, तो यहाँ पे आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके घर पर, आप काम करोगे उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस विद स्पीच ऑडियो लिसनिंग वेरीफिकेशन। अगर आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा काम करने का जिसमें आपको सुनना पड़े या फिर वेरीफिकेशन काम, ठीक है, सो इस तरह का कुछ भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा एंड चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने लास्ट में बता रखा है, मस्ट हैव ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वर्क बिफोर। अगर आपने पहले कहीं भी कितनी भी टाइम के लिए कुछ काम वगैरह किया है ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन का, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्होंने बता रखा है, ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर देते हैं एंड उनकी वजह से उनके पास एक गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो भी लोग अप्लाई कर देते हैं जिनको इस जॉब प्रोफाइल के बारे में भी नहीं पता। तो यहाँ पर इनका जो कहना है वो ये है कि अगर आपके पास ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन का वर्क एक्सपीरियंस है पास्ट में, अगर आपने कुछ इस तरह का काम किया हुआ है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड उससे आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही सबमिट कर दोगे बिना इन सब चीज़ों को पढ़े, तो आपके लिए वो बाद में फिर टाइम वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। सो इन्होंने बता रखा है अगर आपने कहीं भी कितने टाइम के लिए भी कुछ काम वगैरह कर रखा है, कुछ प्रूफ है आपके पास, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। जॉब लोकेशन में देख सकते हो, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनी वेयर, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, तो ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है जैसे मैंने आपको बताया। क्वालिफिकेशन में आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप सिर्फ 12th पास हो सो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रहे हो अभी तो आप इसके लिए जा सकते हो। फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इन्होंने बता रखा है, हाउएवर कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से इन सब चीज़ों का, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको ज़्यादा चांसेस बनेंगे जॉब मिलने के, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक रिम्यूनरेशन, यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर 500 ऑडियो सैंपल। काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको कुछ ऑडियो सैंपल दिए जाएंगे, मतलब हो सकता है कुछ ऑडियो फाइल आपको दे दी एंड उस ऑडियो फाइल को सुनकर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक है। सो इस तरह का काम हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ मतलब बोलने को बोला है या फिर आपको एक कोई पैराग्राफ दे दे एंड उसको यहाँ पे आपको बोल के रिकॉर्ड करना होगा। सो दोनों काम हो सकते हैं आपको, या तो आपको टाइपिंग करवा सकते हैं या फिर आपको बुलवा सकते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे लिखा होगा वो आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करके उनको देना होगा, सबमिट करना होगा। सो कुछ इस तरह का काम रहता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, जिससे हम कह सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट हु इज़ वेरी एक्टिव एंड हैज़ गुड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। सो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने रिकॉर्डिंग का बता रखा है कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है या फिर आपको लिखना पड़ सकता है जो भी यहाँ पे ऑडियो में बोला जाए। तो इस तरीके से कुछ काम है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको क्रोम रखते हो SYSPIN जॉब, ठीक है, ओपनिंग एट स्पायर लैब्स IISc, देख सकते हो। इस फॉर्म को आपको सिंपल सा फिल करना है, फिल करने के बाद आप सिलेक्ट होते हो या फिर शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल पर आ जाएगा जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल अपना एंटर करोगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है
एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ़ योर नेटिव प्लेस और डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी आप रहते हो उस जगह का नाम या फिर जहाँ पे आप रहते हो उस ज़िले का नाम, ठीक है। एंड यहाँ पे पिन कोड आप बता सकते हो जहाँ भी आप रहते हो, आप कितने सालों से रह रहे हो अपने जगह पर, ठीक है। अगर आप गांव में रह रहे हो तो गांव में कितने सालों से हो आप, ठीक है, वो आप बता सकते हो, या फिर दिल्ली में या फिर कोई भी शहर में रहते हो सो कितने सालों से हो आप यहाँ पर, वो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप करंट प्लेस या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हो, ज़िले का नाम, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे बता सकते हो, आपको कौन सी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो या फिर कौन सी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, भोजपुरी है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने लैंग्वेज बता रखे हैं, तो जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे आप फ्लुएंट हो या फिर जो नेटिव लैंग्वेज है आपकी, वो यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, अभी आप क्या करते हो, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे आप डाल दोगे या फिर ग्रेजुएशन और यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तब। और डेजिग्नेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, अपना लेटेस्ट CV यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, एंड पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे जो भी आगे पूछा जाएगा उसको यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपका इसमें नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, एक वेबसाइट है यहाँ पे आप देख लो, यही वेबसाइट है जो इसके लिए हायरिंग करती है। सो यहाँ पर आप देख लो कि जिस भी चीज़ के लिए हायरिंग कर रही है, जिस भी काम के लिए, वो आप सीधा इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हो, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे कि जनरल ओपनिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पीच रिकॉर्डिंग का भी हायरिंग चल रहा है, सेंटेंस कंपोजिशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन या फिर लैंग्वेज एक्सपर्ट, इन सब चीज़ों के लिए भी हायरिंग नहीं चल रही है, सिर्फ स्पीच रिकॉर्डिंग के लिए हायरिंग चल रही है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है तो रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलग अलग पोजीशंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीच रिकॉर्डिंग में आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक PDF आएगा, यहाँ पर आप देख लो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। स्पीच रिकॉर्डिंग में क्या है कि आपको यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट दिया जाएगा एंड आपको उसको रिकॉर्ड करके सबमिट करना होगा या फिर उनको देना होगा लोकल डायलेक्ट में, या फिर जहाँ भी आप रहते हो उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से भी ये काम किया जा सकता है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको 900 रुपीस मिलेंगे फॉर एवरी 60 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन, ठीक है, प्रो बेसिस पर। मतलब इनका कुछ हो सकता है, मतलब एक लेवल होता है कि आप मीडिएटर हो या फिर न्यू हो, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रो बनते हो, प्रो लेवल पर अगर आप काम करते हो तो आपको 900 रुपीस मिलेंगे 60 मिनट के इफेक्टिव काम करने पर। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करोगे अगर वो इफेक्टिव रहता है, जितने भी मिनट का इफेक्टिव काम करते हो आप, तो उसके हिसाब से आपको 900 रुपीस मिलेंगे, ठीक है। सो आप ये मान के चल सकते हो कि 900 रुपीस आपको पर 2 से 3 घंटे में मिलेंगे अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तब, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख सकते हो, अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड टास्क विल बी टू रीड अंडरस्टैंड एंड फैमिलियराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। सो इसमें आपको बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसको यहाँ पे आपको रीड करना है, समझना है एंड उसको अच्छी तरीके से अपने शब्दों में या फिर अपने चीज़ों में एक्सप्लेन करना होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे स्पीच या फिर बोलना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को पढ़कर। तो इस तरह का कुछ काम है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा फिर इस पे क्लिक करना है, तो आपको ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको फिल करोगे। फिल करने के बाद अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपको ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले फॉर्म फिल करके दिखाया, इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। सो काफ़ी सारे इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको फिल कर सकते हो। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपका मन है तो ही फिल करना, अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से कुछ भी आंसर भर दोगे और सोचोगे कि यहाँ पे मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है एंड इसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो फिर वो रिजेक्ट ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेंट ने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। सो अगर आपको मन है तो आप इसको अच्छे से फिल करो, अगर आपको मन नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट या फिर कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड टेलीकॉलिंग जॉब करना चाहते हो वर्क फ्रॉम होम तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने वो कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है। एंड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी।